प्रीमियम ओसीएस ओरिजिनल ओसीएस क्रेन स्केल है, इसका हम कैलिब्रेशन वीडियो कर रहे हैं। ये सेम कैलिब्रेशन प्रोसेस आपको ओसीएस 3 टन, 5 टन, 10 टन और 50 टन में सेम प्रोसेस है। पहले स्केल बंद करना है और अभी ये उसके साथ जो रिमोट आया है वो आप उसमें आपको ए बी सी और डी ऐसी 4 की है। कैलिब्रेशन के लिए आपको डी फॉर दिल्ली का जो स्विच है वो कंटिन्यू लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने से आपको यहाँ पे एक बारीक एलईडी शो करेगी। अगर आपका रिमोट सही से काम कर रहा है तो ये आपको एलईडी कंटिन्यू ब्लिंक ये होगी। अभी आपको डी को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और मशीन को ऑन करना है। मशीन को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो केल एस पी लिख के आएगा। केल एस पी के बाद आपको 2 बार ए जो रिमोट में ए वाली की है वो 2 बार आपको प्रेस करना है। एक बार और ये 2 बार। 2 बार करने से आपको डिस्प्ले पे लास्ट में लोड लिख के आएगा। लोड माने कि आपको स्केल के ऊपर लोड हैंग करना है। आपके पास जो भी करेक्ट एक्चुअल स्टैंडर्ड वेट रेडी में हो, जैसे हम अभी तो डेमो के लिए वीडियो के लिए 20 किलो कर रहे हैं, लेकिन 20 किलो काफ़ी कम होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वेट करेक्ट स्टैंडर्ड वेट आपको हैंग करना है। अभी हम आपको यहाँ पे 20 किलो हैंग करेंगे। 20 किलो हैंग, या आपको जो भी वेट आपने हैंग किया है वो हैंग करने के बाद थोड़ा वेट करना है ताकि ये जो वेट हिल रहा है वो स्टेबल हो जाए। और खास ध्यान रखिए कि आपको ये 5 टन का स्केल है, सो एक किलो का एक्यूरेसी है, उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम वेट जो भी आपके पास रेडी है करेक्ट वेट वो हैंग करना है। 20 किलो तो हम सिर्फ वीडियो के लिए ले रहे हैं, लेकिन आपको ज़्यादा समझ लो कि 200 किलो, 300 किलो, 500 किलो वो हैंग करना है। ये जो भी आपने वेट हैंग किया है वो हैंग करने के बाद थोड़ा स्टेबल होने के बाद आपको डी एक बार प्रेस करना है। डी के प्रेस करने से ये सब डिजिट 000 आ जाएगा। अभी आपको डी का जो स्विच है वो लॉन्ग प्रेस करके रखना है। आपको जहाँ तक डिस्प्ले पे ये 20 किलो लगा है तो आप 2 ना आ जाए वहाँ तक आपको होल्ड करके रखना है डी का स्विच। जैसे अभी मैंने होल्ड करके रखा, 2 आ गया तो मैंने हाथ हटा लिया। अभी 20 किलो टाइप करना है तो आपको 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा। 20 किलो लिखना है यहाँ पे, तो आपको 2 बार डी प्रेस करना है। अगर आप समझ लो कि ये एक बार, ये दो, एक ही बार करना है। ये 20 किलो हो गया, मैंने 20 किलो हैंग किया है, तो अगर आपको 200 kg करना है तो आपको 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी 20 किलो जो हो गया उसको अभी आ गया आपको ए को। अभी जो भी आपने हैंग किया वो आपने टाइप कर लिया हो तो उसके बाद आपको फाइनल ए प्रेस करना है। ए प्रेस करने के बाद आपको डिस्प्ले पे जो भी हैंग किया है वो वेट आ जाएगा 1 किलो मुकर। 2500 अभी देखो हम ये 1 किलो का एक्यूरेसी है, 2 500 ग्राम डिस्प्ले पे रख रहे हैं। ये 21 किलो गया, यहाँ 1500 रख गया ऊपर ही। ये 1 किलो ये हम हटा लेंगे। यहाँ पे स्टेबल का इंडिकेशन भी आएगा आपको।